सत श्रीकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब पंजाबी अते पंजाबी अते नाल जुड़ियां खास खबरां। सब तो पहला सीधा रुख किसानी अंदोलन के वल करांगे। किसान जथेबंदियों के आगू पछमी बंगाल दे विच वड्डियां रैलियां नूं संबोधन कर रहे हैं। तो इन रैलियां के संबोधन के दरम्यान आम लोगों नूं खेती कानूनों के नुकसान की समेत भाजपा नूं वोट ना पाउण की अपील हो रही है। किसानों दी रैलियां इस करके भी चर्चावां दे विच ने क्योंकि एक पासे जिथे पछमी बंगाल दे विच टक्कर बनी हुई है भाजपा अते तृणमूल कांग्रेस दे विच, उधर दूजे पासे जदों किसान उत्थे पहुंचे ने तां उत्थों दे नतीजिआं दे विच वड्डा फर्क सामने आउण लग्गिआ है। जो हुण तक ते सर्वे निकल के सामने आ रहे ने उस दे विच TMC नूं इसदा काफ़ी ज़्यादा हद तक फायदा हुंदा नज़र आ रहा। उधर दूजे पासे किसान आगू ने खास तौर दे उत्ते गलबात कीती है ते पछमी बंगाल दे विच बैठे किसान की कुछ कर रहे हैं तो आने वाले दिनों के किसानों के की रूपरेखा है उसके बारे गल की है। जो पश्चिम बंगाल में 10 तारीख को भी कुछ किसान नेता गए, उसके बाद 12 को, 13 को, 14 को लगातार कार्यक्रम हुए और अलग अलग किसान नेता वहां मौजूद रहे, जनता के साथ उन्होंने संवाद किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल के किसान पूरे तरीके से इस आंदोलन के साथ हैं। दूरी ज्यादा होने के कारण एवं कोरोना की वजह से ट्रेन कम होने के कारण बंगाल के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वो सभी किसान दिल और दिमाग से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पूरे तरीके से इस आंदोलन का पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह थी कि हमारे मन में भी एक सवाल था कि भाई वहां पे बंगाली भाषा बोली जाती है ज्यादातर गांव के अंदर और हम हिंदी में या पंजाबी में अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमें एक चीज महसूस हुई वहां जाने के बाद कि जब बात दिल से बोली जाती है और सुनने वाले दिल से सुनते हैं तो बीच में भाषा आड़े नहीं आती, भाषा का बैरिकेड अपने आप टूट जाता है। तो हमारे सभी किसान नेताओं ने जब किसानों की पीड़ा को अपने दिल से बताया और वो पीड़ा किसानों के दिल तक पहुंची तो सारी बातें अपने आप क्लियर होती चली गई, एक एक बात वहां के किसानों और मजदूरों को समझ में आई। उधर दूजे पासे चंडीगढ़ दे विच आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान दे वल्लों भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां दे नाल पंजाब प्रभारी खास तौर दे उत्ते मौजूद रहे ने। जरनैल सिंह अते भगवंत मान ने मिल के इस मौके दे उत्ते 21 मार्च नूं होण वाली आम आदमी पार्टी की किसान महारैली दे बारे चर्चा की है। तो नाल इस मौके दे उत्ते भगवंत मान इत्थों तक कह गए कि आम लोगों लई, पंजाब दे लोगों लई हुण आम आदमी पार्टी वड्डे पद्धर दे उत्ते 2022 दे विच विकल्प बन के सामने आ रही है। बाघा पुराणा दे विच 21 मार्च नूं किसान महासम्मेलन करन जा रहे हैं, लखां दी गिणती दे विच लोक उत्थे बाघा पुराणा विखे पहुँचणगे। अरविंद केजरीवाल जिहड़े दिल्ली दे मुख्यमंत्री ते साडी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर ने, वो विशेष तौर पर उत्थे पहुँच रहे हैं। उन्हां दे पहुँचण दे दो वड्डे फायदे हो जांदे आ, एक तां सारा मीडिया जिहड़ा उह नाल आउंदा उन्हां दे और उन्होंने प्रमुखता नाल दिखाया जाता है, तो दूजा जदों भी अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जरूर सुनते, होर किसी को सुन ना सुन वो अरविंद केजरीवाल जरूर सुनते, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल ही ऐसा व्यक्ति है जिन्हें 3 बारी मोदी नू दिल्ली दे विच हराया होया, इस करके उन्हां दी गल नू वो सुनते हैं। सो असी उन्हां दे कन्नां तक गल पहुँचावांगे और उहदे वास्ते असी पिंडां दे विच भी जा रहे हैं। तुसीं देखिया होना पिछले दिन ही तुहाडे कोल आईआं होणियां रिपोर्टां, मैं जैतों के पिंडां च, कोटकपुरे के पिंडां च, बाघे पुराणे के, निहाल सिंह वाले के और मानसा के सरदूलगढ़ के पिंडां जा के आया। बहुत भारी गिणती च लोग एक 24 घंटे के नोटिस से जिहड़े ने वो इकट्ठे हो रहे हैं आप मुहारे। इत्थों ये संकेत है कि लोग जिहड़े इन्हां दोनों तो अके पए ने, एक इहो जिहे माहौल च जदों लोग जिहड़े ने वो लीडरां नूं पिंडां च जां शहरां च वड़न तो रोक रहे ने, इतराज़ कर रहे ने उन्हां दे आउण ते, ते उत्थे 24 घंटिआं दे नोटिस ते इन्ने वड्डे वड्डे कट होण दा मतलब है कि लोग आम आदमी पार्टी तो कोई उम्मीद रखते हैं, कुछ नवी कहानी लिखण दी जिहड़ी है उन्हां दी उम्मीद हैगी है। उधर सुखपाल सिंह खहरा दे घर हुई ED दी रेड अते ED दे वल्लों आए सुखपाल सिंह खहरा नूं समण दे उत्ते भी टिप्पणी भगवंत मान ने कीती है। नहीं देखो ED दी रेड दा तां देखो मैं इहदे बारे तां कोई कुछ कह नहीं सकदा, इह तां जिन्हां ने कुछ इहो जिहा कोई, क्योंकि ED जिहड़ी है
वह किसी ना कोई तो ठोस कोई सबूत लेके आती है। ईडी का सम्मन कर दी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुंडे भी सम्मन कर दी है। तो फरीदा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास जो करे सो भरने तू क्यों भय उदास। उधर सुखबीर सिंह बादल के वालों भी लगातार 2022 लैके तैयारियां मुकम्मल हो चुकिया ने। 2022 दी चोणां लड़न तो पहला ही हुण सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल के पत्ते खोलने शुरू कर दिए ने। पहला पत्ता सुखबीर सिंह बादल के वलों जलालाबाद के खोलिया गया जो उन्हें अपने आप में ही जलालाबाद तो उम्मीदवार के तौर के उत्ते पेश कर दिता। तो उस तो बाद अगले दिन ही सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर तो एक वड्डी कॉन्फ्रेंस की है। इस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आम लोगों को संबोधन करदिया उन्हें खेमकरन तो विरसा सिंह वलटोहा भी उम्मीदवार ऐलान दिता है। थोड़ा धड़ा श्रोमणी अकाली दल है, थोड़ी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। अज जो थोनू ताकत मिली है, जो छोटी चौधर बनी है, जो थोनू मान दिता है, जो अज तुसी स्टेजां ते बैठे हो श्रोमणी अकाली दल करके बैठे हो। श्रोमणी अकाली दल अज आप बैठे इन्हां दी जायदाद है, आज जिम्मेवारी अपनी संभालने की जायदाद अपना फर्ज है कि पंजाब विच तरक्की लियानी। गुरु साहब ने अपन क्यों आदेश दिता से, मीरी पीरी का आदेश क्यों दिता सी? क्योंकि पता सी कि कौम वो अगे वधदी है जिहदे कोले सियासी ताकत भी होए। सियासी ताकत लियानी बहुत जरूरी है, ताई अपनी कौम की तरक्की होगी, ताई पंजाब की तरक्की होगी। इस करके हुण धड़ेबंदी छड़ दिओ, जो श्रोमणी अकाली दल पार्टी फैसला करे उन्हूं मन्ना, होर किसी नूं नहीं मन्ना। जे श्रोमणी अकाली दल तगड़ा आपा तगड़े पंजाब तगड़ा है। अच्छा एक दस्यो मैनू एक गल दस्यो यार, एक मिनट। खेमकरन हलके दा आने वाले इलेक्शन च लड़न वास्ते किहड़ा उम्मीदवार थोनू चाहिदा है? आवाज नहीं आ रही? नहीं यार, मैनू होर कोई समझी जाना, मैं गौरव तो नहीं। अज अपनी पंजाब मंग दा जवाब दी दूजी रैली है। पहला उम्मीदवार तो मैं अपने आप नूं करता सी। तो अज मैं ऐलान करदा कि आउण वाली इलेक्शन विच खेम करन तो श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीदवार विरसा सिंह वलटोहा विक्रम मजीठिया दे वल्लों भी इस रैली के दरमियान विरोधियों के उत्ते करड़े शब्दी वार किए गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कारगुजारी के उत्ते वड्डे सियासी वार होए ने। मैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं भाजपा छड्डण लई, वजीरी छड्डण लई, पुराना रिश्ता तोड़न लई, किसानां दे नाल उहनां दे हक च खलोण लई उहनां नूं वधाई दिंदा। और एक घेराबंदी जारी रहेगी जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भाजपा जिहड़ी मिली भुगत खेडदी है। मेरी मिली भुगत तो मैं गल अखीरली खत्म करन लग्गिया। जाखड़ कहिंदा कि दिल्ली वाले डीजल ते पेट्रोल दा तेल दा रेट घटाउणा चाहीदा, मगर जाखड़ उस तों पहलां जिहड़ा वैट तुसीं वसूलदे हो वह क्यों नहीं घटाउंदे? दिल्ली तो हजारां करोड़ रुपया वित्त कमीशन के रूप से 14 ते 15 तो करोड़ा ही रुपया मोदी को लैके आने, मगर जदों गल आ जाती अपणियां दी गल करन लई उदों पता नहीं थोनू केड़ी नींद च सौ जांदे। इसलिए जिहड़े रल के खेडदे आ, काले कानून वापस आने चाहीदे, उहदे ते सोधां दी गल नहीं। मगर पंजाब दी विधानसभा च भी कैप्टन अमरिंदर ने सोध दी गल कीती, वो काले कानून रद्द करन दी गल नहीं कीती। इसलिए रल के खेडण वालियां दे भी चेहरे नंगे होने चाहीदे। मैं फिर वलटोहा साहब नूं समुची इत्थों दी लीडरशिप नूं अज दे ठाठा मार दे इकट्ठ दी वधाई दिंदा। उधर दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी दी विधायकां दे वल्लों भी प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती गई है, जिस दरमियान उन्हां एक पासे दिल्ली दे विच हो रहे प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया है, तो इस दरमियान वह पंजाब अते हरियाणा नूं एक बार फिर तो
दिल्ली के प्रदूषण लिए जिम्मेवार दस के जिसनों लैके पहला ही पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दस चुकी है कि पंजाब का धुआं दिल्ली वाल नहीं जाता। अजिहियां चर्चावां होने तो बाद भी एक बार फिर तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली तो विधायकों के वलों अजिहा कहना कितना कितने हुण नवीं सियासत नूं जन्म देवेगा। लेकिन हमारा सवाल हमेशा से केंद्र सरकार से रहा है कि जो दिल्ली से बाहर दिल्ली के बाहर से प्रदूषण आ रहा है उस पर केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्यों केंद्र सरकार जो हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से, राजस्थान से प्रदूषण आ रहा है उस पर कदम क्यों नहीं उठाती है? क्यों दिल्ली वालों को दम घुटने वाली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर किया जाता है? बार बार दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा है, उनको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को कहा, उनको कहा कि और स्टेट्स पे सख्त कार्रवाई करी जाए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक आदित्य दुबे करके एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने एक याचिका दर्ज की जिसमें उन्होंने सेंटर को कहा कि स्टबल बर्निंग पे, पराली जलाए जाने पे तुरंत एक्शन लिया जाए। जब वो याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उसके रिस्पॉन्स में केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन का गठन किया जिसकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में जो प्रदूषण हो रहा है और जो अलग अलग राज्यों से भी उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उन सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स पे एक्शन लेना। और उस ऑर्डिनेंस में कमीशन को काफी पावर भी दी गई, इंक्लूडिंग कि अगर कोई कमीशन की बात नहीं मानता और फिर भी प्रदूषण फैलाता है, उस कमीशन को अधिकार था कि वो किसी को 5 साल तक जेल भेज सकती है। उधर सुखबीर सिंह बादल नूं जलालाबाद तो उम्मीदवार ऐलाने जाने तो बाद अकाली दल के वर्करां दे विच खुशी का माहौल है, तो उन्होंने वालों इसे खुशी दे विच जलालाबाद दे विच लड्डू भी वंडे गए। माहौल जिहड़ा है जलालाबाद का, वह बिल्कुल 100% जिहड़ा अकाली दल के हक च रहेगा, क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह बादल 3 बार इतों MLA बने, 1 बार MP बने और बहुत प्यार है जलालाबाद नूं, वो आपका घर समझते हैं, इस करके जलालाबाद वाले सारे जिहड़े वो भी उन्होंने आपका समझते हैं और जलालाबाद जिहड़ा एक नवा मुख्यमंत्री पंजाब नूं देण जा, इहदे च कोई लुकाउण वाली भी गल नहीं। इदों पहलां किन्ना चिर कांग्रेस की सरकार रही, किन्ने MLA आए, किन्ने मंत्री रहे, पर जो सरदार सुखबीर सिंह बादल करा सके ने वह 50 सालों पहला नहीं हो सकया। नहीं तोड़ा मतलब यह कहता भी कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया? बिल्कुल जी कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, सामने ही है सारे दे सामने। कुलू जी की लगता तुहानू यूथ अकाली दल की भूमिका रहेगी सारे इलेक्शन दे विच? यूथ अकाली दल की भूमिका ही है जी, सारी आ जिन्ना जोर लग्या अपना जिनी आ संगत सारी अज वाली रैली दे विच इकट्ठी हुई है, यह सारा यूथ का योगदान है। पिंड पिंड जाके, घर घर जाके सारिया ने लोगों को लामबद्ध किया, वेख ही लिया हूँ अज ती जरा अज 20,000 की गिनती के जरा इन्ना इकट्ठ होया, ये सारा यूथ का अपना योगदान ही है सारा। पूरे मुल्क के लगातार बैंकिंग सैक्टर प्राइवेट करन के चलद नाराजगी बैंक के मुलाजमान के वलों जताई जा रही है। बैंक मुलाजमान ने इस नाराजगी के चलदियाँ 2 दिना हड़ताल का ऐलान किया, जिस हड़ताल के दरम्यान उन्होंने नारेबाजी भी की, बैंकों की हड़ताल के दरमियान आम लोगों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज की जो ये हड़ताल की जा रही है 2 दिनों के लिए, इस हड़ताल को करने के लिए बैंक जो बैंक के कर्मचारी और अधिकारी है वो बाध्य हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेचना चाहते हैं, वो हमारे तरीके से, हमारी सोच के हिसाब से किसी भी तरह इस देश के अंदर, इस देश के हित में या देश के नागरिकों के हित में नहीं है। बैंकों के अंदर लाखों करोड़ रुपया अगर पब्लिक का डिपॉजिट पड़ा है, कल को अगर ये बैंकों को प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया तो जो हम कोऑपरेटिव बैंकों का हालत देख रहे हैं, महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का हुआ, यस बैंक के अंदर हुआ, पब्लिक के अंदर जो उनका पैसा है उसका क्या होगा? आज जितने भी बड़े घराने हैं ये उनको बेच देंगे तो वो बड़े घराने अपने ही नाम पे सारे लोन लेके पब्लिक का सारा पैसा हड़प कर जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि ये पब्लिक सेक्टर का जो करेक्टर है, इसी की वजह से देश की उन्नति हुई है 50 साल में। अगर हम देखें आज भी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं होंगे तो देश के अंदर जो लेह लद्दाख, द्रास, कारगिल या हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएं तो जहां जहां जाके पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपनी ब्रांचें खोली हैं तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर जाके बैंक नहीं खोलेगा, क्योंकि वो वाइबल नहीं है। तो किसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, लोगों की सेफ्टी चाहिए, पैसे की सेफ्टी चाहिए, तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही उस बात को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
मैं तो सीधा यहीं पे आई हूँ, मैं रास्ते में कहीं रुकी नहीं, उन्होंने नोटिस दिया था कि आज आपको मिलना है यहाँ पे आके, लास्ट तारीख है, तो आके पता लगा कि बैंक 2 दिन के लिए बंद है। आपको हरासमेंट होना पड़ रहा है? तो परेशान तो हो ही रही हूँ, वापस जाना पड़ेगा 2 दिन के लिए। बहुत ज़रूरी काम था हमें, मगर हम परेशान हैं बहुत। हमारे पापा का काम था बहुत ज़रूरी, हम बाहर से आए बैंक का काम कराने, मगर यहाँ 2 दिन की हड़ताल है। कहाँ से आए हैं? हम लुधियाना से आए। हम बैंक के काम से आए थे और बहुत परेशान है यहाँ पर, हड़ताल चल रही है, हमको पता भी नहीं था और बहुत परेशान है। 2 दिन बैंक बंद है। मैं चेक डालने के लिए आया था, ये कोई ज़रूरी काम था? बहुत ज़रूरी चेक था ये। तो कितने परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान हो रहे हैं ये, बैंक में घूम घूम के थक गए, 3-4 बैंकों में होके आया, बहुत परेशान हो रहा हूँ। पंजाब इस वेले फिलहाल के लिए इन्ना ही, फिर मुड़ हाजिर होवांगे नवीं ताज़ा सियासी अपडेट्स के साथ। तद तक मैनूं दे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।